A Photograph by Shirley Toulson. The cardboard shows me how it was. When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. फोटोग्राफ का गत्ता मुझे दिखाता है कि उस समय किस प्रकार का दृश्य था जब दो चचेरी लड़कियां समुद्र स्नान या नौकायन के लिए गईं। उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का हाथ पकड़ रखा था और वह मेरी माँ उनमें सबसे बड़ी लड़की 12 या उसके आसपास की आयु की थी। तीनों शांत खड़ी हुई थी और चाचा जो कैमरा लिए हुए था वे उसे अपने बालों के आर पार देखती मुस्कराती खड़ी थी। A sweet face. My mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. उस समय जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरी माँ का मधुर सा चेहरा था, और वह समुद्र, जो फोटोग्राफ में है, जो मेरी माँ की अपेक्षा कम परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है, उनके भयानक रूप से क्षण भंगुर नाशवान पैरों को धो रहा था। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. उस समय जब वो फोटो लिया गया था उसके 20 या 30 साल बाद वो फोटो को देखकर हंसेगी। वो कहेगी, बेटी और डॉली देखो कि उन्होंने समुद्री तट पर ले जाने के लिए हमें किस प्रकार के कपड़े पहना दिए थे। समुद्री छुट्टी उसका भूतकाल बन चुकी थी और मेरी माँ की वो हंसी मेरा भूतकाल बन चुकी थी। विडम्बना ही है कि दोनों ही अपने अपने नुकसान को सुगमतापूर्वक सहने का कष्ट उठा रहे थे। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence silences. अब उसे मेरी माँ को मरे उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष तक वह फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही। और इस हालत माँ के मरने का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कह पाना शांत वातावरण को और शांतिमय कब्रगाह की शांति बना देता है। कवि एक पुरानी तस्वीर को देखती है। इसमें कवि की माँ और उसकी दो चचेरी बहनों को दिखाया गया है। कवि की माँ अपने दो चचेरे बहनों के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी। वे छुट्टी का आनंद लेने के लिए वहाँ गए थे। माँ सिर्फ 12 साल की एक लड़की थी। उसके चाचा ने कवित्री की माँ और उसके चचेरे बहनों की मधुर मुस्कान और चेहरे को कैमरे में कैद किया है। ये बहुत समय पहले की बात है जब कवि का जन्म भी नहीं हुआ था। कोई 20 या 30 वर्ष बीत गए। माँ फोटो देखकर हंसती। उसने इसे अपनी चचेरी बहन बेटी और डॉली को दिखाया कि किस तरह से वे समुद्र तट के लिए तैयार हुए थे। वो समुद्री छुट्टियां माँ के लिए अतीत की बात बन गई थी और माँ की प्यारी सी मुस्कान कवि के लिए अतीत की बात हो गई। माँ को मरे कई वर्ष हो गए। चारों ओर पसरे सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं है।